चाहे प्रदेश हो या देश, भले ही वहाँ मंदी की बात की जाए, लेकिन तीज त्योहार के दिन ये मंदी न जाने कहाँ नदारद हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन उड़ने वाली पतंगों की ही बात की जाए तो अकेले इंदौर में इसका कारोबार 2.5 करोड़ के पार पहुँच चुका है। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का चलन हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। बीते 3 वर्षों में पतंग का कारोबार जहां करोड़ में पहुंच गया है, वहीं इस वर्ष लगभग 2.5 करोड़ का कारोबार पूरे शहर में हुआ है और पुराने शहर सहित नए शहर और कई जगहों पर लगभग 300 से अधिक पतंगों की दुकानें लगी है। इंदौर के अलावा आसपास के शहरों में भी भारी मात्रा में पतंगें भेजी जाती है। पतंग उड़ाने के लिए जहां चीनी मांझा काफी पसंद किया जाता था, वहीं चीनी मांझे पर प्रतिबंध के बाद इस बार बरेली का 12 तोड़ मांझा सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। हालांकि ये बात और है कि प्रतिबंध के बावजूद कई जगह धड़ल्ले से चीनी धागा भी विक्रय किया जा रहा है। इंदौर शहर के पतंग बाजारों में मल्हारगंज, काछी मोहल्ला, राजवाड़ा, मुंबई बाजार, मल्हारगंज सहित कई अनेक ऐसे क्षेत्र है जहाँ थोक में पतंगों का क्रय विक्रय किया जाता है।